हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3-4 क्लास 7th सोशल साइंस की। आपकी ये वर्कशीट है जो आपके लिए 13 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें आपको 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो आपको क्या करना है, जो भी करेक्ट आंसर है उसके सामने जो गोला है उसको आपको काला कर देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डैश इज़ वायलेटेड। जब जो है पर्सन उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है तो उनका जो है उनकी क्या वायलेट होती है। ऑप्शन ए दिया गया है, उनकी डिग्निटी वायलेट होती है। ऑप्शन बी है रिलीजन, ऑप्शन सी है कास्ट एंड ऑप्शन डी है कल्चर। तो उनकी डिग्निटी जो है बच्चों वो वायलेट होती है। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन टू वोट इन इलेक्शन इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शन कास्ट करने के लिए मिनिमम एज क्या है। ऑप्शन ए है 14 इयर्स, ऑप्शन बी है 21 इयर्स, ऑप्शन सी 18 इयर्स एंड ऑप्शन डी है 25 इयर्स। राइट आंसर आपका सी रहेगा, 18 इयर्स इज़ द मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन टू वोट इन इलेक्शन इन इंडिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम को इंट्रोड्यूस करने वाला इंडिया का पहला स्टेट जो है वो आपको बताना है। सो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी है आसाम। तो सही आंसर रहेगा तमिलनाडु जो है वो स्टेट है जहाँ पर सबसे पहले मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिव। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो क्या प्रोवाइड कराता है, पॉलिटिकल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी या ऑल ऑफ द अबव। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो पॉलिटिकल इक्वलिटी प्रोवाइड कराता है। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज। मुक्तीज जो है उनकी क्या ड्यूटी थी। ए ऑप्शन दिया गया है टू लीड रूलर्स, बी ऑप्शन टू लीड मिलिट्री कैंपेन, सी है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन इकतास एंड डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी, ठीक है। टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन इकतास, ये इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ए टाइप ऑफ टैक्स कॉल्ड खराज वाज लिव्ड। जो खराज टैक्स था वो किस पर लगाया जाता था। ऑप्शन ए है ऑन हाउसेस, ऑप्शन बी है ऑन कैटल, कैटल जो पशु होते हैं, एंड ऑप्शन सी ऑन ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार में लगाया जाता था, एंड नेक्स्ट है ऑप्शन डी ऑन कल्टीवेशन यानी जो कृषि होती है कल्टीवेशन उसके ऊपर लगाया जाता था। सो जो खराज टैक्स है वो कल्टीवेशन पे लगाया जाता था, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बाय हुम अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर हिज सोल्जर्स। कौन जो है किसके द्वारा न्यू गैरिसन टाउन सीरी जो है वो अपने सोल्जर्स के लिए बनाया गया था, किसने बनवाया था। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी बाबर एंड ऑप्शन डी अकबर। सो आंसर ए आपका रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हु रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू अटैक ऑन ट्रांसऑक्सीनिया। ट्रांसऑक्सीनिया पर हम जो है अटैक करने के लिए किसने अपनी बड़ी आर्मी खड़ी की थी। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश एंड ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी। सो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अटैक करने के लिए आर्मी अपनी स्टैंड की थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वर स्लेव्स बॉट फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड। कि जो मिलिट्री सर्विस के लिए जो स्लेव्स लाए जाते थे, टिक्के खरीदे जाते थे, उनको क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए इकता, ऑप्शन बी बंदगा, ऑप्शन सी खराज एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबो। तो उनको क्या कहा जाता था स्टूडेंट्स, उनको बंदगा कहा जाता था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उनको क्या कहा जाता था, बंदगा, जो खरीदे जाते थे, ठीक है, मिलिट्री सर्विस के लिए स्लेव्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट मे बी द रीज़न फॉर सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी के लिए क्या रीज़न रहेगा। ऑप्शन ए है रिलीजन, ऑप्शन बी जेंडर, ऑप्शन सी कास्ट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर आपका डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी जो है जेंडर भी, रिलीजन भी, कास्ट भी, ये सोशल इनइक्वालिटी को कॉज करते हैं।
सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट बच्चों, जिसमें हमने जो है 10 क्वेश्चंस किए हैं। आई होप सभी को ये क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप दीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।